नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। उसने अपना राज कायम कर लिया है और अब सरकार को लेकर भी खबर है कि शुक्रवार के नमाज के बाद सरकार का ऐलान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच तालिबान जो है अफगानिस्तान के ही एक प्रांत पंजशीर पर कब्जे के लिए जी जान से जुटा हुआ है, जहां उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान जो है वो मार खा रहा है पंजशीर से। हाल के दिनों में पंजशीर की तरफ से भी दावा किया गया था, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से दावा किया गया था कि उसके 350 लोग मार दिए। उसके पहले खबर आई थी कि 7 से 8 लोग मारे गए, फिर अभी खबर आई कि 13 लोग मारे गए तालिबान के। तो लगातार तालिबान को नुकसान हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो ISISK है और तमाम जो ऐसे छोटे छोटे आतंकी नेटवर्क्स हैं उसको लेकर डर सता रहा है। किसे? पाकिस्तान को, कि तालिबान जो है भले ही अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया हो लेकिन वो गृह युद्ध में फंस सकता है। इसकी आशंका किसने जताई है ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका तालिबान के साथ मिलकर अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देता है अफगानिस्तान में, अगर ब्रिटेन शुरू कर देता है ISIS के खिलाफ अफगानिस्तान में ऑपरेशंस, तो ये छोटे छोटे नए मोर्चे खुल जाएंगे तालिबान के ही खिलाफ और गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो सकती है। क्योंकि पंजशीर का जो पंजशीर जिस ताकत के साथ तालिबान को जवाब दे रहा है वो वाकई में तालिबान को परेशान करने वाला है। और यही कारण है कि जो तालिबान के सिपह सलार बैठे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में और खासकर पाकिस्तान के भीतर, वो खौफ से थरथरा रहे हैं। और जो जिसे अमरुल्ला सालेह तालिबान का स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री को, शाह महमूद कुरैशी को, उनको ये डर सता रहा है कि पाकिस्तान में के जो गृह मंत्री हैं, माफ करिएगा, विदेश मंत्री जो हैं, वो कह रहे हैं कि तालिबान को गृह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। क्या कह रहे हैं ये बता रहे हैं, ये सुनिए जरा आप। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर कहा है कि विदेशी सेना ने जिस तरह से अचानक अफगानिस्तान से वापसी की है वो सही नहीं है। इस तरह की स्थिति अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर तालिबान के साथ सही तरीके से संपर्क नहीं साधा गया तो मुश्किल हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जंग खत्म करने को लेकर जिस तरह की आशंकाएं जताई थी उनको पूरी तरह से इनको इग्नोर किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में किसी तरह के आतंकी संगठन के पैर मजबूत हों। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पश्चिमी देशों को लगातार तालिबान के साथ संबंध स्थापित करना होगा ताकि वहां पर स्थिति पर नजर रखी जा सके और अफगानिस्तान में हालात गृह युद्ध जैसे ना हो जाएं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को समर्थन भी दे रहा है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं भी मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ वो गृह युद्ध जैसी चिंताएं भी व्यक्त कर रहा है। और इसके पीछे का कारण है कि पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर खुद को एक बड़ा निगोशिएटर दुनिया की नजरों में साबित करना चाहता है। क्योंकि पाकिस्तानी NSA ने हाल ही में 9/11 जैसी स्थिति की भी जिक्र किया था कि उन्हें लग रहा था कि 9/11 जैसा हमला हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि विदेशी फौज वापस जा रही है और उन्हें संपर्क करना चाहिए, तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत करो, उनसे उनको लूप में रखो, उनको समझो, लगातार डायलॉग इंगेज करिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ तालिबान के लिए बैटिंग और दूसरी तरफ दुनिया से तालिबान के लिए ही इस तरह की बातें करके निगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि वो अपने आप को की प्लेयर साबित करना चाह रहा है तालिबान और अफगानिस्तान के मसले को लेकर, ताकि दुनिया वो चाहता है कि दुनिया जब भी बात करे तो पाकिस्तान का जिक्र हो, पाकिस्तान को भी चैनलाइज किया जाए और उसके बदले में वो रकम हासिल कर सके। कुछ कुल मिलाकर जो स्थिति है वो यही बनती नजर आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।